हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज़ बोल्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एनिमेटेड वेब सीरीज़ को। अभी तक हमने बहुत सी एनिमेटेड मूवीज़ कवर की हैं जो आपको बहुत पसंद आई हैं, दैट्स वाई आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एनिमेटेड वेब सीरीज़ को जो मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल हैं। सो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 10th वेब सीरीज़ है द लास्ट किड ऑन अर्थ। वेब सीरीज़ आई थी 2019 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई अर्थ की, जो एक एपोकलिप्स का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस मारे जा चुके हैं, पर कुछ बच्चे अभी भी जिंदा बचे हैं। और ये बच्चे किस तरह सर्वाइव करते हैं इस पृथ्वी पे, ये आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए, क्योंकि चारों तरफ जॉम्बीज हैं, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं और हर पल इनकी जान खतरे में रहती है। ऐसे में ये बच्चे किस तरह सर्वाइव करते हैं, ये आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 7.5 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज़ है घोस्ट इन द सेल SAC 2045। ये एक एनिमेशन एक्शन साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ है। ये वेब सीरीज़ आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज़ की स्टोरी सेट है ईयर 2045 में, जब टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, उनके ब्रेन को बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया गया है। और इसी बीच ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं और वो म्यूटेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो म्यूटेंट्स पूरी तरीके से सभी इंसानों को खत्म करना चाहते हैं इस अर्थ से, और सिर्फ म्यूटेंट्स को ही धरती पर रहने देना चाहते हैं। ऐसे में जापान की सरकार हायर करती एक टीम को, जिस टीम को काम दिया गया है कि उन लोगों को, उन सभी म्यूटेंट्स को मारना है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि म्यूटेंट्स इंसानों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में ये टीम क्या उन म्यूटेंट्स को मार पाती है नहीं, या आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 6.2 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है जुरैसिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेशियस। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है जो आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई कुछ बच्चों की, जिन लोगों को मौका मिलता है सबसे पहले जुरैसिक वर्ल्ड के अंदर घूम के आने का। ये सबसे पहले पार्क के अंदर जाके डायनासोर को देख सकते हैं, पर वहां पे जुरैसिक वर्ल्ड मूवी की तरह ही गड़बड़ हो जाती है और एक बहुत ही खूंखार डायनासोर रिलीज हो जाता है, और अब वो पूरे के पूरे पार्क के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देता। ऐसे में ये बच्चे किस तरह सरवाइव करते हैं, अपनी जान को किस तरह बचाते हैं, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 7.4 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है हुप्स। ये एक एनिमेशन कॉमेडी स्पोर्ट्स वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक बास्केटबॉल कोच की, जिसकी टीम बहुत समय से हार रही है, और उसको तलाश एक ऐसे बंदे की जो उसकी टीम को जिता सके, और वो बंदा इसको मिल भी जाता है, किसी तरह उसको मनाता है क्योंकि शुरुआत में वो नहीं मानता। अब आपको ये देखना है क्या इसकी टीम जीत पाती है नहीं। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि यह एक एडल्ट कॉमेडी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर गालियां भर भर के हैं और यह वेब सीरीज आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, दैट्स व्हाई आप इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। यह वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 6.0 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन ट्रिलॉजी। ये एक एनिमेशन एक्शन साइंस फिक्शन वेब सीरीज है जो आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की, जो ट्रांसफॉर्मर्स है, ये लोग साइबरट्रॉन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। साइबरट्रॉन इनका प्लैनेट है। आखिर दोनों में से कौन सही है कौन गलत, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए, और कौन जीतता है कौन नहीं वो भी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगी, ट्रांसफॉर्मर्स की एक मूवी सीरीज भी आ चुकी है जो बहुत जबरदस्त है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 7.5 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है जापान सिंक्स। वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई जापान की, जहां पे बहुत सारे भूकंप आते हैं जिसकी वजह से पूरे जापान में तबाही मच जाती है। इसी बीच कहानी दिखाई गई एक फैमिली की, जो फैमिली किसी तरह किसी सेफ जगह पे पहुंचना चाहती है ताकि वहां पे ये लोग सेफ रह सकें। इनके रास्ते में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सब आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए, और क्या ये सर्वाइव कर भी पाते हैं नहीं वो भी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 6.5 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है डिसएंचेंटमेंट। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है जो आई थी 2018 में। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक प्रिंसेस की, जो प्रिंसेस वाले काम छोड़ के बाकी सारे काम करती है। वो एक नशेड़ी है, पूरे दिन सिर्फ दारू पीती रहती है, पर इसके फादर इससे परेशान होकर इसकी शादी करवाना चाहते हैं, पर ये उस शादी से भी भाग जाती है अपने एक छोटे से दोस्त के साथ और एक डीमन के साथ जो हेल से आया है, और ये लोग निकल पड़ते हैं एक एडवेंचरस सफर पे। आखिर इनका एडवेंचरस सफर कहां जाके खत्म होता है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी एडवेंचर वेब सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स 7.2 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है विजार्ड्स। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है जो आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई कुछ लोगों की, जो लोग टाइम में भटक जाते हैं और पहुंच जाते हैं किंग आर्थर के समय में। आखिर ये लोग वहां से कैसे वापस आते हैं वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए, और साथ ही साथ इनको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये लोग हिस्ट्री को ना बदल दें, क्योंकि अगर कुछ भी बदला तो उसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 8.2 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द ड्रैगन प्रिंस। ये एक एनिमेशन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसी दुनिया की
जहाँ पे आधी जगह पे ड्रैगन्स रहते हैं, जादूगर रहते हैं, और आधी जगह पे ह्यूमंस रहते हैं। पर ह्यूमंस ने ड्रैगन प्रिंस को मार दिया है और उसके अंडे को चुरा लिया है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही भीषण महायुद्ध होने वाला है। पर एक प्रिंस है जो चाहता है इस युद्ध को रोकना, वो उस चुराए हुए अंडे को किसी भी तरह वापस पहुँचाना चाहता है ड्रैगन्स के पास। वो प्रिंस ये कैसे करता है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए, उसके रास्ते में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं वो भी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिला 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है लव डेथ एंड रोबोट, ये एक एनिमेशन शॉर्ट कॉमेडी वेब सीरीज है। ऐसी वेब सीरीज आपने आज तक कभी भी नहीं देखी होगी। इस वेब सीरीज के अंदर जितने भी एपिसोड है, हर एपिसोड के अंदर अलग अलग स्टोरी कवर की जाती है और हर एपिसोड के अंदर अलग अलग तरह के एनिमेशन स्टाइल को दिखाया गया है। आज तक आपने जितने भी एनिमेशन देखे होंगे, जितने भी तरह के कार्टून देखे होंगे, वो सभी के सभी आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही कमाल की ब्रिलियंट वेब सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिला 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।